हेलो, गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के केदारघाटी, एक छोटे से गांव बेलगांव से। और आज की ब्लॉगिंग हम मॉर्निंग से कर रहे हैं, और आप चाय बनाती हैं मॉर्निंग की। और आप लोगों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ, और आप लोगों का भाई बहनों का प्यार हमेशा रहे, और हमेशा साथ रहें भाई बहन, और अच्छे प्यार से रहें। और अभी मौसम भी बहुत ख़राब हो रखा सुबह से केदार घाटी का, और रात को इतनी ज़्यादा मंदाकिनी नदी आई ना, क्या बोलें। और अभी तो कम हो गई है, और रात भर हम तो सोए नहीं कल, और 1-2 बजे सोए हैं। तो अब चाय बना दी है मॉर्निंग की, और मोनिका बताएगी आप लोगों को केदार घाटी का मौसम। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भय नमस्ते। मेरा नाम है मोनिका, मैं हूँ उत्तराखंड देवभूमि केदार घाटी के एक छोटे से गाँव रेल गाँव से। स्वागत है आपका मोनिका केदार घाटी ब्लॉग में, और केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, वैसे तो मम्मी ने सुबह में ब्लॉग की स्टार्टिंग कर ली थी, और अभी टाइम हो रहा है 10, तो मैं नहा भी गई हूँ, और घर में दिया बाती भी कर लिया है, ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है, घर में साफ़ सफाई वगैरह भी कर ली है। और आज है रक्षाबंधन, तो आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएँ, आपके आपके और आपके पूरे परिवार को। तो दोस्तों चलिए जी, लंच वगैरह भी बना दिया है मैंने, बाकी अभी टाइम 1 बज गई है। आप लोगों को पता हो गई कि 1 बजे तक भद्रा लगा हुआ है, तो मैं राखी बांधूंगी 2 बजे। वैसे तो अभी लंच बना दिया है, तो देखते हैं मम्मी लंच करेंगे कि पहले राखी बांधेंगे, देखेंगे क्या होता। वैसे तो लंच मैंने बना दिया है, दाल बनाया, भात बनाया, और हरी सब्जी बना रखी है, तो देखते हैं। लंच बना दिया है, और बाकी देखिए आज मौसम, अब बारिश आने के लिए हो गया है। आसमान में पूरी तरह से काले बादल छा गए हैं। अभी थोड़ी देर पहले धूप लगी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे देखिए बारिश आने को हो गया है मौसम। और अभी देखिए नदी का जो जलस्तर है वो काफ़ी ज़्यादा आ गया है, और नीचे देखिए मंदाकिनी नदी का जो पानी है वो पूरा मटमेला सा हो गया है। बाकी मम्मी बोल रही हैं हम खाना खा लेते हैं, तो अभी मम्मी यहाँ पे खाना परोसने लग गई है। तो लंच में है दाल, हरी सब्जी और भात। तो दोस्तों चलिए जी, लंच करने के बाद अभी मैं रेडी भी हो गई हूँ, और अभी ना टाइम 2 भी बज गई है, तो 2 बजे राखी बांधने का मुहूर्त निकला हुआ था। तो अभी मैं यहाँ पे देखिए राखी की थाल भी तैयार हो चुकी है, और यहाँ पे है श्री कृष्ण भगवान जी की मूर्ति और राधा की मूर्ति। और सबसे पहले ना मैं श्री कृष्ण भगवान जी को राखी बांधूंगी, और यहाँ पे मैंने राखी रखी हुई है, और यहाँ पे मिठाई, तो आप लोगों को थाली बताते हैं। दोस्तों चलिए जी, मैंने ना सबसे पहले श्री कृष्ण भगवान जी को राखी बांधी है, अब मैं बांधूंगी भाई पे, और भाई को कब से इंतजार था ना, रोज बोल रहा था मेरे पर राखी पहना राखी पहना। Thank you.
दो रक्षाबंधन में मेरे को काफी प्यारा गिफ्ट मिला पिछले साल भी और इस साल भी। और मोनिका बहुत खुश हो गई है। तो दोस्तों चलिए जी, मैंने अपने भाई को राखी बांध दी है और रक्षाबंधन पर जो मेरे लिए सूट मिली है ना, ये काफ़ी प्यारी है और इसको ना मैं सिलवाने के लिए दूंगी और आप लोगों को भी ज़रूर पहन के बताऊंगी कैसी सूट दे रही है। अभी नहीं बताऊंगी कि अब मुझे ये सिलवाने के लिए देनी है। बाकी ना अभी फिर से बारिश स्टार्ट हो गई है और नीदे नदी का जो जलस्तर है वो भी बढ़ गया है। तो यहाँ पे ना दीदी भी आ रही है रक्षाबंधन के लिए अपने माई के, और दीदी ना अभी मेरे भाई को राखी बांधने के लिए आ रही है। दीदी कहाँ है जी, तू ठीक जी? अरे ठीक जी। अच्छा घर फोन सब बढ़िया। अच्छा अनु ये भी ठीक छिन? अच्छा तो दीदी ने अभी भाई को राखी बांध दी है और यहाँ पे तो अभी देखिए भाई आसमान में पूरी तरह से काले बादल छा गए हैं। सामने वाली पहाड़ियों पे ना कोहरा भी छा गया है धीरे धीरे, और नीचे नदी का जो जलस्तर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और नदी का जो पानी है वो भी काफ़ी भयंकर आ गया है भाई। ये देखिए पूरा मटमीला मटमीला सा। बाकी दीदी भी अपने ना मायके आ रही थी रक्षाबंधन के लिए, सुबह में आई और अभी चली गई है क्योंकि उसके घर में बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं और कल से शायद उनके स्कूल है, तो इसलिए वो सुबह में आई और अभी चली गई। और उसका जो ससुराल है वो है खुमेरा में, तो वो चली गई है अपने ससुराल। तो बाकी ना अभी शाम की 4 भी बज गई है और अभी चलते हैं गौशाला की तरफ गाय को घास डालने के लिए। तो फिर से एक बार मेरी ना पूरी YouTube फैमिली को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपके पूरे परिवार को। तो इस साल रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो काफ़ी अच्छा रहा, पिछले साल भी काफ़ी अच्छा रहा हर साल की तरह। बाकी अभी मम्मी लोग आराम कर रहे हैं और आज तो आराम भी नहीं किया क्योंकि आज रक्षाबंधन था इसलिए भाई। और वैसे तो बहुत पहले, मतलब दो एक दो साल पहले वैसे सुबह में बांधते थे राखी, लेकिन पिछले साल से भद्रा से सुबह से शाम तक भद्रा था, मतलब सुबह से लेकर 1 बजे तक भद्रा था, फिर उसके बाद राखी बांधी सबने। और यहाँ पे जो कनस्तर है ना उन पे देखिए भाई फरन है, काफ़ी बड़ी बड़ी हो रखी है और यहाँ पे ना फूल भी आ गए हैं। और जो ये फूल होते हैं ना, जब ये सूख जाते हैं फिर ये तड़के के काम आते हैं, और ये जो फरन होता है ना ये तड़के में इतना स्वादिष्ट होता है बोले ही क्या भाई। तो इसकी ये भी फरन वो होता है, तड़के के काम आता है। और यहाँ पे देखिए टमाटर की पौधे हैं छोटी छोटी सी, और यहाँ पे दो कनस्तरों में मम्मी ने फरन लगा रखा है, ये मम्मी लाई थी नानी के यहाँ से। और ठीक इधर की साइड है पुदीना, और पुदीने के बीच में देखिए 2-3 तुलसी के छोटे छोटे पौधे हैं, ये देखिए 3 तुलसी के पौधे हैं। और यहाँ पर मिर्च नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे माल्टे नारंगी के पौधे हैं। और जब ये थोड़ी बड़ी हो जाएंगी ना फिर हम इनको ले जाने के लिए, मतलब लगाने के लिए ले जाएंगे खेत में। और यहाँ पे एक तुलसी का पौधा एक और है, मतलब 3-4 तुलसी के पौधे हैं यहाँ कनस्तर में। काफ़ी हरी भरी पुदीना हो रखी है, ये देखिए नमक पीसने के काम भाई, तो काफ़ी हरी भरी पुदीना हो रखी है। उनके साथ भी पुदीने वाली नमक की रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बाकी अभी चलते हैं गौशाला, गाय की भी व्यवस्था करनी है। तो उसके बाद दिन में घास डाल दिया था, शाम के टाइम डालते हैं, फिर इसके बाद रात में डालते हैं जब उसको अंदर बांधा जाता है। बाकी आज तो धूप लगी नहीं, सुबह में लगी हुई थी काफ़ी अच्छी, लेकिन उसके बाद बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश मतलब पूरा आसमान काले बादलों से पैक हो चुका है पूरी तरह से, और हल्की हल्की काफ़ी ज़ोरदार बारिश लगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मोनिका मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल रखें।